पिछले दिन श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी दे गुरगद्दी दिवस से श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह वालों बयान जारी किया गया सी। गतकेबाजी, तलवारबाजी, निशानेबाजी ये जिहड़ियां कलावां ने इन्हां दे विच सुसिख्यत होई है और हर सिख लाइसेंसी जिहड़े मॉडर्न हथियार ने लीगल तरीके दे नाल वह भी जिहड़ा है वह रखण दा हर सिख यतन जरूर करे क्योंकि समा इस तरह का जिहड़ा है वह आ रहा, हालात इस तरह के जिहड़े बन रहे हैं कि हर सिख अपने आप नूं बाणी पढ़ के, नाम जप के, भजन करके बलवान बनावे और नाल नाल तंदुरुस्त होवे कि हर अमृतधारी सिख नूं लाइसेंसी मॉडर्न हथियार रखने चाहिए ने। जिस तों बाद मुख्यमंत्री साहब ने भी टिप्पणी की अते अज हवारा कमेटी मैंबर वालों भी प्रैस वार्ता की गई ते प्रैस वार्ता कर जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब दे इस बयान ते सहमति प्रगटाई गई। उन्हां कहा कि हर एक भारत के नागरिक नूं लाइसेंसी हथियार रखना चाहिए है, चाहे वह हिंदू होवे, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख होवे। इस नाल ही उन्होंने बोलते हुए कहा कि सिखां नूं विरासत विच शस्त्र मिले ने। उन्हां कहा कि सिख सिखी का जन्म ही खंडे बाटे की धार से होया है। जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब के इस बयान की असी सहमति प्रगटाउंदे हां। देखो मुकेश मेहरा की यह खास रिपोर्ट। एंगल तो इतिहास के एंगल तो गुरबाणी के एंगल तो वेखिए साढ़े सामने गुरु साहब ने एक बड़ा स्पष्ट फिलोसफी शस्त्रां दे बारे बड़ी स्पष्ट बाणी पढ़ी फिर पहले गुरु हाँ। जब पूछा है ना हिंदू वड्डा के मुसलमान दो ही से धर्म गुरु सिर्फ सोशल मीडिया का ट्रेंड हैगा वा सोशल मीडिया से तुम जो दिखता पाया वा उस दिखता पाया इस टाइम जथेदार भी जो बोलता पाया वा उन्होंने आ नहीं पता लगता पा कि मेरी मानसिक बल्कि क्राइम का मैं वेंदे कख नहीं है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिहड़े जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने जो बयान दिता है हथियारों बारे दरअसल दे विच ए धर्म की कसवटी तो इतिहास की कसवटी तो गुरबाणी की कसवटी तो जो सानू गुरु साहब ने फिलसफा दिता है वो मुताबक ये बयान दिता गया है। और मैं समझदा कि जथेदार जगतार सिंह हवारा कमेटी जी समझती है कि ये बारे किसी प्रकार का कोई विरोध या वावेला खड़न की कोई लोड़ नहीं हैगी क्योंकि ये लाइसेंसी हथियार की गल की गई है। ये नहीं कहा गया कि इस हथियार के नाल किसी नूं कोई भय पैदा किया जाए, यह तो केवल सिर्फ सैल्फ डिफेंस वास्ते गल की गई है और ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनली हरेक व्यक्ति को हैगा है। और ये समाज के किसी प्रकार की ना तो कोई वायलेंस क्रिएट होनी है, हर व्यक्ति चाहे वह हिंदू है, चाहे वह सिख है, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, वो लाइसेंसी हथियार रख सकता है। अगर ये गल श्री अकाल तख्त साहिब तो आरंभ की गई है तो मैं लगता है कि ये उत्ते राजनीति ना की जाए, हर व्यक्ति को अपने अपने हिफाजत वास्ते हथियार रखने की पूरी पूरी खुल हैगी है, जिसके मुताबिक जो है ये उत्ते कोई कंट्रोवर्सी पैदा ना की जाए। लेकिन बयान काफ़ी विवादित होता नज़र आ रहा, विरोधी पार्टियां काफ़ी तंज कस रही हैं। विरोधी पार्टियां को एक गल समझ लेनी चाहिए है कि सिख के हाथ में जोड़ा हथियार है ना जोड़ा वो हथियार इस करके है क्योंकि सिख कौम जन्म ही सिखा का हथियार च होया खंडे बाटे की पहुँच चक के। सो कहण तो मतलब है कि विरोधी पार्टियां इस गल का अंदाजा होना चाहिए है कि कॉन्स्टिट्यूशनली भी साढ़े को अधिकार है तो असी लाइसेंसी हथियार लैकर के पंजाब की किसी प्रकार की कोई वायलेंस या पंजाब के शांतमय माहौल में खराब नहीं करांगे, ना तो किसी अज तक किसी होर व्यक्ति ने किया है तो ना ही भविख में होने की कोई उम्मीद है। सो इस करके इस बयान के उत्ते राजनीति जिहड़ी है बिल्कुल नहीं होती। पर तुहानू लगता है कि अगर किसी व्यक्ति को हथियार होएगा तो पंजाब विच माहौल डर वाला पैदा होएगा, अगर सिखां को हथियार होणगे तो दूसरे धर्म दे लोक जिहड़े पंजाब जांदे होणगे। सिखां को तो अज भी हथियार ने, हिंदुओं को भी अज भी हथियार ने लाइसेंसी, अगर जाकर तुसीं आंकड़े कट के वेखोगे तो हर कौम ते हर व्यक्ति को हथियार ने। उहदे नाल की प्रॉब्लम आई हुण तक, हुण तक कोई समस्या खड़ी हुई है नहीं खड़ी हुई,
इस करके इस असी इस तरीके ना लीजिए कि भाई सिख अगर लाइसेंस ले लेगा तो शायद कोई वेजिंग ऑफ वॉर की गल शुरू हो जाएगी, हुकूमत के खिलाफ कोई बगावत हो जाएगी, ऐसी कोई गल नहीं हैगी। ये तो अपनी सैल्फ डिफेंस वास्ते है, क्या अपने धियां भैनों की इज्जत को बहाल रखने वास्ते, होर गुरधामा की सेफ्टी वास्ते इस हथियार रखने के नाल किसी प्रकार का भी किसी कौम को खतरा नहीं है। गुरु विजय शास्त्री जी वर्ल्ड फेमस लुधियाना वाले, कॉल या व्हाट्सएप करो +91 981 51 56 151। की तुसी परेशान हो कि तुहाडा काम नहीं बन रहा? चिंता ना करो, तुहाडी किस्मत जाग रही है, 101% गारंटीड। स्पेशलिस्ट इन लव मैरिज, ब्याज रुकावट, राज दरबार चित वशीकरण, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, पति पत्नी च अनबन, घरेलू कलेश, नौकरी कारोबार, बच्चों की पढ़ाई ते मनमर्जी, विदेश यात्रा, कर्जा मुक्ति, लॉटरी, बे औलाद, एक बार कॉल या व्हाट्सएप जरूर करन गुरु विजय शास्त्री जी +91 981 51 56 151।